आप देख रहे हैं केवल सस्पेंस। मैं हूं फरीद अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच। इस वक्त जिस रिपोर्ट को हम आपको दिखाने वाले हैं, जिस रिपोर्ट की जानकारी देने वाले हैं, इस रिपोर्ट को देखकर कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर हमारे क्षेत्र में भी इस तरह से माफिया उत्पात मचाए हुए हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए अब तक किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। माफिया कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम जिस माफिया के बारे में बात करने वाले हैं, ये खनन माफिया है जो क्षेत्र को खंडहर में तब्दील करते जा रहे हैं। मामला किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड का है, जहां पर ठाकुरगंज प्रखंड के कई थाना क्षेत्र, जैसे कि पौवाखाली थाना क्षेत्र, सुखानी थाना क्षेत्र, जिया पोखर थाना क्षेत्र, इनके अलावे भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर खनन माफिया अपना जेब गर्म करने के चक्कर में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में सरकार के राजस्व में प्रतिदिन लाखों रुपये की क्षति करते हैं और अपना जेब पूरी तरीके से गर्म कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे मिट्टी का उत्खनन हो रहा है, बालू का उत्खनन हो रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है और विभाग की कहीं ना कहीं इसमें भी उदासीनता है कि हाईवे से ही गुजरने वाले, यानी आप NH से भी गुजरेंगे तो वहाँ से भी वो खंडहर क्षेत्र नज़र आ जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है कि लोग ठाकुरगंज इलाके के नाम के साथ में खंडहर शब्द का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्षेत्र खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये पौवाखाली थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं और यहाँ पर भी किस तरीके से, किस पैमाने में और किस गहराई के साथ खनन किया गया है कि खनन के लिए जो ट्रैक्टर नीचे उतारी गई है, वो ट्रैक्टर भी जो है ठीक से दिख नहीं रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है और ये ज़्यादातर उत्खनन भारी मात्रा में तभी होता है जब ईंट भट्टा का सीजन आता है और ईंट भट्टा में ईंट बनना शुरू हो जाता है, तभी इस तरीके का भारी मात्रा में उत्खनन शुरू हो जाता है। लेकिन इस पर कोई सुध लेने वाला नहीं है, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। लगातार क्षेत्र में बढ़ते ईंट भट्टों के कारण जो चिमनियां से धुएं निकलते हैं, उनके कारण भी कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इतने भारी मात्रा में जो उत्खनन हो रहा है, इसके कारण खेतिहर जमीन भी विलुप्त होती नजर आ रही है। एक दिन ऐसा आएगा अनुमानित तौर पर कि शायद ठाकुरगंज प्रखंड के इलाकों में खेती करने के लिए उपयुक्त जमीन ही नहीं बचेगी। दूसरी तस्वीर हम आपको जिया पोखर थाना क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां देखिए कितने बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। क्षेत्र आपको पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। तीसरी है तस्वीर है सुखानी थाना क्षेत्र की, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से खनन किया गया है कि पूरी तरीके से क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गई है। और ये जो आपको हम सुखानी थाना क्षेत्र का जो नज़ारा दिखा रहे हैं, ये महज थाना से कुछ ही दूरी पर है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर इंडो नेपाल सीमा है, माना जाए एक तरह से, और बगल से ही रेलवे का लाइन चालू किया जाना है जिसको लेकर के काम चल रहा है। जल्द ही रेलवे भी यहाँ से गुजरेगी, रेल लाइन का काम चालू प्रगति पर है और उसके बगल से ही भारी मात्रा में उत्खनन हो रहा है और महज ये थाना से कुछ ही दूरी पर इस तरह का मिट्टी का उत्खनन हो रहा है, लेकिन इस पर भी किसी का ध्यान नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। सवालिया निशान तो विभाग पर भी खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मिट्टी का उत्खनन होता है और अब तक कोई ठोस कदम इसको रोकने के लिए नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये बात हमने दी थी पिछले दिनों, हमारे मित्र नीरज कुमार बबलू जी वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री थे, उस समय हमने इस चीज को उनको लिख के दिया था
लेकिन दुर्भाग्य से कि जब तक वो हम लिख के दिए और जब तक वो कोई कार्रवाई करते तब तक जो है सरकार बदल गई। इसीलिए अब तो ये जो है तेज प्रताप जी के अंडर में ये विभाग है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे उनको भी अवगत कराने का, और माइनिंग डिपार्टमेंट के भी जो बड़े पदाधिकारी है, सेक्रेटरी है, उनसे मिलूंगा पटना जाके इन सारे हालातों से। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जो है इसको मीडिया के माध्यम से हाईलाइट कीजिए, चारों तरफ का क्लिप हम लोग को दीजिए, दरकार पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। मैं फरीद अहमद किशनगंज से।